मतलब मेरी फ्रेंड एक है, वो भी खड़ी थी, तो उसको भी बुलाए, वो भी जैसे कि बस रास्ते में। फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोग का। तो नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सब चल रहा है इस समय। और फ्रेंड, आज तो बहुत ही हैप्पी है। और देखिए, हम मुस्कान कहीं पर जा रहे हैं, तो आपको बता देते हैं अभी से ही, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे एकदम घर के पास आए हैं शूटिंग वाले, जो कि मैडम बेकरार थी। जब यश कुमार आए थे तो मैं नहीं जा पाई। फिर से कोई हीरो आए हैं, पर पता नहीं है। और पूरा मतलब रोड एकदम जाम है, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी एकदम खड़ा है, जैसे उसमें जैसे शूटिंग वाला जो गाड़ी होता है उसमें जिस बस टाइप रहता है उसी में घर रहता है, बस में ही घर रहता है। सोने, नहाने, खाना पीना सब कुछ उसी में रहता है। और सारा बड़ा बड़ा गाड़ी है, उसमें किसी में किचन है तो किसी में नहाने वाला है, पूरा व्यवस्था है। बहुत सारे लोग आए हैं रात से ही, और मतलब पूरा रोड जाम है, क्योंकि गाड़ी वाले को गार्ड साहब लोग जाने नहीं दे रहे हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे शूटिंग होता है, और हम भी देखते हैं कि कौन कौन से हीरो और कौन सी हीरोइन आए हैं। अभी पता तो नहीं चला है, फिर भी अभी कुछ मतलब पता चला है कि परवेश क्या नाम यार उनका, परवेश लाल यादव, जो कि भोजपुरी के हीरो हैं, वो शायद आए हैं, पर अभी पता नहीं है अच्छे से। तो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या। जैसे कि अभी मेरी बहन लोग गई थी, देख कर आई हैं, और अब हम भी जा रहे हैं। मतलब बाहर ही हो रहा है, मेरे रोड पर ही हो रहा है, बस थोड़ा सा दूर पे रहा है। और मतलब जैसे सब्जी का दुकान लगा है, तो गाड़ी आ रहा है इधर से, बहुत सारे लोग बंदूक लेकर दम खड़े हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और बहुत ही सिगरेट चोरी से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाना यहाँ पर मना है। चलिए वीडियो के एंड में आपको समझाते हैं हम, तब तक यहाँ पर देखिए कैसा है। और यहाँ पर पुलिस भी आ चुके हैं सेफ्टी देने के लिए और रास्ता क्लियर करने के लिए, तभी यहाँ पर शूटिंग हो पाएगा। क्योंकि ये जो शूटिंग करते हैं वो सरकार को पेमेंट कर कर आते हैं इस रोड का, तभी पब्लिक को हटाते हैं। और इधर देखिए, ये हटा रहे हैं, इधर सारा लहरा है, कैमरा वैमरा ये देखिए पहले से ये गाड़ी रुका हुआ है। यहाँ पर सब्जी पूरा गिरा चुका है, फिर अच्छा वीडियो नहीं है, फिर से वापस जाएगा तो फिर से वीडियो बनेगा। तो इधर देखिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए सब भाग रहे हैं, और गाड़ी आ रहा है स्पीड में, और गया 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 लड़ गया वो, देखिए सब्जी को ठेला वाले को उड़ा दिया एकदम मार कर, पूरा धुआं धुआं। पीछे से वो जो गुंडे बैठे हैं दो गाड़ी में, अगले वाले गाड़ी में हीरो है। तो अभी भी देखिए फिर भी अच्छा नहीं बना, फिर भी रास्ता क्लियर किया जा रहा है। और देखिए हमारी ये जो दीदी मिल गई है, ये देखिए पुलिस वाली जो दीदी है, इनके साथ मैं एक फ़ोटो खींची थी जो कि यूट्यूब पर डाले हैं, और ये फिर आ गई हैं यहाँ पर। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर आई हैं। और देखिए यहाँ इधर सारा गाड़ी खड़ा है, कि अभी एक्टिंग सब सीख रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है, तो सब उसी में हंस दे रहे हैं। तो देखिए फिर से एक बार फिर से ये होगा, पता नहीं कितनी बार होगा। देखिए अब आगे की तरफ भाग रहे हैं, फिर से गाड़ी आई, फिर से सब्जी वाले को टक्कर मारी, गिर गया सब्जी पूरा। देखिए कैमरा वाले सब पीछे से कैसे आ रहे हैं, और जिसमें हीरो बैठा है उसके पीछे भी कैमरा रखा है, गाड़ी में उसके पीछे कैमरा रखा है हर जहाँ। तो फ्रेंड, आप लोग फाइनली देख चुके होंगे कि कैसे शूटिंग हो रहा था, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा लगा देखकर, बहुत ही अच्छा। क्या होता है आपको, मतलब कितनी बार कट 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 कर हो रहा था, क्योंकि खराब बन जा रहा था बार बार। तो आप लोग वो रोल देखे होंगे कि जिधर सामने से गाड़ी आ रही है, और सामने पूरा बाजार लगा है, मार्केट ठेला पर सब्जी लगा है, कैसे उड़ा दे रहा था, तो धुआं ही धुआं धुआं, जैसे जानते हैं गाड़ी में धुआं कैसे होता है, वो कोयला जलाकर उसमें लोहवान डाल रहे थे, उससे बहुत धुआं हो रहा था, वैसे ही होता है पिक्चर में।
इतना आसानी से पिक्चर नहीं बनता है या कोई भी वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि मेरा भी वीडियो बहुत सोचते आसानी से नहीं, बहुत ही मतलब खराब बन जाता है, फिर से उसे काटो फिर से काटो, अच्छा बनाओ कि जिसे सामने वाले को देखने में अच्छा लगे। पर आप लोग देखकर तुरंत ऊपर लाइक बिल्कुल नहीं करना है ना, कर दिया करो, बहुत ही मेहनत लगता है, चाहे मेरा वीडियो चाहे आप किसी का। फिल्म डायरेक्टर बहुत बहुत सारे लोग थे, मतलब कम से 500-600 लोग आए थे या उससे भी कम लोग, और सारे लोग बहुत उसमें दौड़ रहे थे इधर उधर, और इतना तो मतलब जैसे बस में घर होता है ना, वो सारा आया था। अभी भी है कम से वो 7-8 बहुत सारा गाड़ी, किसी में नहाने वाला तो किसी में किचन है तो किसी में खाने वाला तो किसी में रहने वाला, मतलब सारा व्यवस्था वो लोग लेकर आते हैं, और इधर से भी लिए हैं पर हम पिछड़ गए। पर और सारी लोग मतलब मेरी फ्रेंड एक है, वो भी खड़ी थी तो उसको भी बुलाए, वो भी जैसे कि बस रास्ते में जाने वाला, जैसे बाजार में जाने वाला रोड होता है बच्चे लेकर, तो वही बच्चे लेकर बस जा रहे थे, उसको वो रोल मिला था, क्योंकि मेन डायरेक्टर जो होते हैं उसके ऑनर वो थी लड़की, औरत थी, बहुत सारी कोई मेकअप करने वाली बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, और बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे मतलब कि अगर यहाँ पर रहेंगे, अगर मेरे ही रोड पर होगा, अगर चुनार में ही होगा, तो मैं अगर पास में ही होगा तो मैं अगला वीडियो फिर डालूंगी, आप लोग फिर देखिएगा अगला। और ये पिक्चर का या फिल्म का नाम है मिर्जापुर सेक्शन 3, और मैं ये सर्च करने वाली हूँ यूट्यूब पर कि जैसे क्या उसमें होने वाला है। ये मैं जानने दम चोरी से वीडियो बनाया, और इसका नाम भी मैंने बहुत ही तो मुश्किल से, कि जो भोजन नहीं होता है एक्शन बोलते हैं ना, उस पर लिखा होता है, तो जब ऐसे एक थे भैया ऐसे लेकर जा रहे थे तो थोड़ा सा रुके है, तो मैं ऐसे निहूर कर पढ़ी किस पिक्चर के क्या नाम है। और जैसे कि मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैंने आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही चोरी से बनाया है वीडियो। किसी लोग का तो मोबाइल छीन कर वीडियो डिलीट कर दे रहे थे, और बोले कि मत बनाओ भैया मत बनाओ, को पता नहीं है इसमें 3 लाख लगा है, मतलब एक दिन का 3 लाख लगता है, क्योंकि उतने सारे गार्ड्स, उतना खाना पीना, उतना रहने का व्यवस्था, और जिस रोड पे जिस जहाँ पे कर रहे हैं वो उसका पैसा सरकार को दिया जाता है, तभी सरकार परमिशन देते हैं यहाँ पर करने के लिए, और सारे पब्लिक को एकदम परेशान करने के लिए बहुत सब मतलब आ रहे थे, सब जाम कर दिए, लौट कर जाओ लौट कर जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, सब बहुत परेशान बहुत ही गुस्सा रहे थे जो हमारे पास में थे, सब बोल रहे हैं कि मतलब हम ही लोग को अपने घर से ही भगा दे रहे हैं, अपने दरवाजे पर देख रहे हैं तब भी दरवाजे से भगा दे रहे हैं, चुनार छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर सब गार्ड बोल रहे हैं आप लोग को विदेश से ही भगा रहे हैं, बस थोड़ा सा हट जाइए, क्योंकि कई गाड़ी पर परछाइयाँ जा रहा था, तो बहुत जहाँ बहुत ही मुश्किल से बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बहुत ही एडिटिंग करना पड़ता है, चलिए आप तो समझ गए होंगे इतना से ही, तो मेरा बस यही था। मैं आप अगला वीडियो मेरा देखे होंगे, यश कुमार से गए थे हम मिलने, बट क्या मेरा नसीब नहीं था ना, बहुत ही हम गुस्सा आया था, क्योंकि वो चले गए तो यहाँ पर वहाँ पर, कभी गंगा जी शूटिंग हो रहा है तो कभी अस्पताल में शूटिंग हो रहा है, किसी के घर में शूटिंग हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा, तो इसलिए नहीं जा पाए। पर ये जो हीरो आए थे अच्छे थे, पर कुछ लग रहा था कि साउथ के हैं, उसी के जैसा एकदम चेहरा लग रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था, अब देखा जाएगा अगर पिक्चर आएगा तब उसमें समझ आएगा, पर बहुत ही एकदम लंबा हाइट का था, थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए कि मेरा वीडियो कैसा है। अच्छा।